subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असदुद्दीन वेब ट्रेनिंग्स एकेडमी से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी हो तो क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज का हमारा टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हमारे जो अपडेट्स हम वीडियोस अपडेट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखिए, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं लेकिन उनको एक गाइड या एक मेथोडोलॉजी नहीं मिलता। तो अब ये वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको एजेंसी को बिल्ड करना होगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो है लर्न द सब्जेक्ट। होता यह है दोस्तों, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को बहुत आसान समझते हैं। जनरली क्या है, विदाउट एनी नॉलेज वो एक कंपनी डोमेन रजिस्टर करके वो राइट अवे जो है एक एजेंसी शुरू करने की भी कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्यों, बाज़ वक्त ऐसा होता है अगर आपको नॉलेज ही ना हो सब्जेक्ट की, आप क्लाइंट के पास चले गए और आपने प्रोजेक्ट भी ले लिया लेकिन आपको प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करना नहीं आता, प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करना आपको नहीं मालूम। तो आपने अगर लेट्स से अज्यूम दैट वो प्रोजेक्ट है 50,000 का और आपने 20,000 एस्टिमेट दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, अब मजबूरी पे आपको वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी एजेंसी स्टार्ट करने वाले के लिए कि सबसे पहले लर्न द सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट आपको पता होगा उस वक्त में आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में आप कोटेशंस एस्टिमेशंस वगैरह आराम से दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहीं पर भी सीखिए लेकिन सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, उसके बाद आप एजेंसी के बारे में सोचेंगे तो बेटर रहेगा। नंबर टू, ब्रांड नेम और डोमेन। देखिए दोस्तों, जनरली होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड होते हैं वो डायरेक्टली एक नेम ले लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम है अजहर तो azharfreelancer.com उन्होंने डोमेन बना दिया और वो सर्विस देना शुरू कर देते हैं। इस तरह करने से प्रॉब्लम ही होगा, जब फ्यूचर में आपको कंपनी बनाना हो तो ये डोमेन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी फ्रीलांसर रख दिया है। इस वजह से हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ रादर देन ए जेनरिक नेम लेने के बदले में आप एक अपने लिए एक डोमेन नेम सोचिए, अपने लिए एक ब्रांड नेम सोचिए। और अगर आप शॉपिफाई, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर आप शॉपिफाई बिजनेस नेम जनरेटर और बहुत सारे बिजनेस नेम जनरेटर्स हैं वहां पर आप जाकर अपना एक कीवर्ड डालेंगे तो वो आपको बिजनेस नेम सजेस्ट करेंगे, तो उसमें से आप एक यूनिक और अच्छा बिजनेस नेम लीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो डोमेन आप देखिए मैक्सिमम टॉप लेवल डोमेन का हो, जैसे .com हो या .in हो, मैक्सिमम इस तरह के अवेलेबल डोमेन्स रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ब्रांड नेम एंड डोमेन नेम आपको खरीदना, आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करके डोमेन और होस्टिंग वगैरह खरीदना है। नंबर थ्री, लीगल रजिस्ट्रेशन। जनरली क्या होता है दोस्तों, हम एक्साइटेड में आकर जो है तमाम प्रोजेक्ट लेना शुरू कर देते हैं लेकिन वहां पर अगर आपको एक बड़ा क्लाइंट मिल जाए तो आप स्टक हो जाते हैं। मुझे पहले मेरे करियर में हुआ था कि एक बड़े क्लाइंट मिलते हैं जो है मुझे स्टक हो गया। मैं वहां पे प्रॉब्लम ये था कि उनको सर्विस टैक्स, उस जमाने में सर्विस टैक्स हुआ करता था तो सर्विस टैक्स कंपलसरी वो कंपनी मांग रही थी, मेरे पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन उस वक्त में नहीं था। तो उसके बाद मुझे एक महीना ऐसा वेट करके सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में पेमेंट रिलीज हुआ था। तो आप अभी जो GST वगैरह है इसको आप सिंपल तरीके से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लीगल रजिस्ट्रेशन, जैसे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। आप एज़ प्रोपरेटर आप जाइए या आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए या प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके रेलेवेंस में जो बेटर। और मेरा जो पर्सनल सजेशन है, इधर आप यूज कर सकते हैं प्रोपरेटर और पार्टनरशिप, और एक भी ऑप्शन होता है 1% कंपनी जिसमें जो लिमिटेड लेबलिटी कॉर्पोरेशन भी होता है। मैं एक आपको आर्टिकल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में दिया है दोस्तों। तो अब रजिस्ट्रेशन करना भी हमारे लिए जरूरी है, लीगल रजिस्ट्रेशन जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह। और फोर्थ ऑप्शन है डिजाइनर वेबसाइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा कोई भी टेम्पलेट लेके वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, उससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा सोचिए और अच्छा टेम्पलेट लीजिए और उसको कस्टमाइज कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट टेम्पलेट आपका है और 100 लोगों का है, आपको डिजाइन यूनिक रहना है तो जभी तो क्लाइंट आपके पास अट्रैक्ट हो गया। तो डिजाइन ए वेबसाइट कंपलसरी। अब उसके बाद डिफाइन नीश एंड स्पेशलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी हम एजेंसी स्टार्ट करते हैं वो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट किसी भी तरह के इंडस्ट्री से हम ले लेते हैं
इससे क्या होता यह है दोस्तों, क्योंकि आपका जो नीश, जो सब्जेक्ट है, जो इंडस्ट्री है, अगर वो आप डिफाइन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप जब एजेंसी स्टार्ट करें तो आपका जो स्किल में जो बेस्ट स्किल आपके पास है, जो सबसे ज़्यादा टैलेंट आपके पास है और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जिस सब्जेक्ट में आपको है उसमें आप स्पेशलाइज बनिए। इससे होगा क्या कि जब भी आपको कोई क्लाइंट आए तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको किस तरह से उनको सर्विस करना है, किस तरह से वर्क करना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी देखिए नीश और स्पेशलाइजेशन। अगर मैं नीश और स्पेशलाइजेशन मैं लेना चाहूंगा तो मैं इस तरह से लूंगा, क्योंकि एजुकेशन डोमेन में मैं बहुत सालों से हूं, ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसी तरह इवेंट प्लानिंग इंडस्ट्री में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई क्लाइंट आ जाए तो एजुकेशन, ऑटो एंड इवेंट प्लानिंग या और भी दो चार सर्विसेज है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उन्हीं पर फोकस ज्यादा करूंगा। क्यों फोकस करूंगा, क्योंकि ये मेरा नीश है और मोस्टली कंपनीज नीश में जो स्पेशलाइज होते हैं उनको पेमेंट भी ज्यादा करते हैं। और इसी तरह स्पेशलाइजेशन भी आपको याद रखना है, आपको हर चीज ऑफर करते अगर आप बैठेंगे तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो हम यहां पर इनिशियल में क्या करेंगे, अगर आप फेसबुक में एक्सपर्ट हो तो सिर्फ आप फेसबुक एड्स के लिए जो है कन्विंस करिए क्लाइंट को, अगर आपका एसईओ बहुत पावरफुल है तो आप एसईओ के लिए कन्विंस कीजिए, अगर आपका गूगल एड्स बहुत पावरफुल है तो गूगल एड्स को आप स्पेशलाइज बनाइए। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग आप पहले इनिशियल में क्या कीजिए, एक नीश और एक स्पेशलाइजेशन को लेकर चलिए। इससे होगा क्या, जो भी प्रोजेक्ट आपको आ रहा है आपको एक माइंड में आपका स्ट्रेटजी बना हुआ होगा कि मुझे इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये बिजनेस को ग्रो करना है, तो वहां पर आपको बहुत आसानी से प्रोजेक्ट्स क्लोज करने में आसानी होगी। वरना मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, मुझे कोई क्लाइंट आ गया है जिसका एकदम यूनिक नीश है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट ले भी लूं मैं उसके बाद डिलीवरी एग्जीक्यूशन करने में इतना प्रॉब्लम होता है कि वो 1 or 2 months में वो क्लाइंट को हम बोल दे, या तो क्लाइंट बोल देगा कि भाई इट्स नॉट गेटिंग वर्क आउट। बिकॉज रीजन यहाँ पे ये होता है कि क्लाइंट का बिजनेस मॉडल अलग है और हमारा जो एक्सपोजर है वो अलग है, इससे बहुत ज्यादा मिसमैच हो सकता है। तो इसलिए आप नीश और स्पेशलाइजेशन भी हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपना पेमेंट मॉडल। पेमेंट मॉडल दोस्तों सिंपल तरीके से आप ये डिफाइन करिए कि आप जो प्रोजेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं क्या बेसिस पे। अगर फॉरेन क्लाइंट है तो उनको क्या आप हवरली बेसिस कर रहे चाह रहे हैं तो क्या आपका हवरली रेट रहेगा। अगर इंडियन क्लाइंट है तो क्या मंथली बेसिस चार्ज करना चाह रहे हैं या क्वार्टरली बेसिस चार्ज करना चाह रहे हैं। अब इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपने एक क्लाइंट्स बात होते हैं वो कहते हैं बॉस हम आपको मंथली इतना देंगे, इतने में आप इतना वर्क करिए। बॉस क्लाइंट्स कहते हैं हम आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ लीड पर पे करेंगे, यानी लीड जनरेशन के वो पैसे देंगे। तो उस टाइम पर आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको डिफाइन करना है कि भाई कितने लीड्स आएंगे। मैंने इसीलिए कहा अगर आपको नीश पता होगी तो आपको मालूम होगा कि एजुकेशन डोमेन में इतने कॉस्ट में एक लीड जनरेट होती है, तो उसके हिसाब से आप उसको मार्कअप करके अपने हिसाब से भी आप पेमेंट मॉडल बना सकते हैं। तो जनरली आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में मंथली मॉडल है, इंडिया में मोस्टली मंथली मॉडल चलता है। अगर आप एसईओ सर्विस लिए हैं या गूगल एड सर्विस लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट मंथली मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट होता है इस पेमेंट मॉडल में। उसके बाद आप प्रमोट योर बिजनेस। देखिए बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं, वो कोरा पर आकर क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू आई प्रमोट माई डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। अब ये सवाल करना ही बेवकूफ़ी है, क्यों, क्योंकि आप खुद डिजिटल सर्विस ऑफर कर रहे हैं और आप खुद क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई हाउ टू प्रमोट, मतलब आपको खुद नहीं पता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, गूगल पर, एसईओ गूगल एसईओ पर, ऑर्गेनिक पर, हर जगह पर अगर आपका बिजनेस विजिबल है, अगर आप अवेलेबल हो, तो ऑटोमेटिक कस्टमर को यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यह पर्सन को यह तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं यही कंपनी के साथ जाना इंटरेस्टेड रहूंगा। तो यहां पर आपको अपने खुद के बिजनेस को भी प्रमोट करना जरूरी है। एंड देन डिफाइन अ सेल्स प्रोसेस। अब जैसे आपका बिजनेस लीड्स आपको जनरेट हो रहे हैं, लीड्स तो डेफिनेटली जनरेट होंगे, तो आपके टीम में एक सेल्स पर्सन होना चाहिए जिनको आप तमाम प्रोसेस सिखाएंगे, जिसको मेथड सिखाएंगे किस तरह से कोटेशन, किस तरह से रिक्वायरमेंट लेना है, किस तरह से कोटेशन देना है, हमारे जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, एसईओ का क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस के हिसाब से आपके सेल्स टीम को वर्क करना जरूरी है। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज आ जाए दोस्तों, उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं इसके लिए भी आपको थोड़े लिंक्स दूंगा, हर एक टूल के लिए थोड़े लिंक्स है, उसके लिए थोड़े टूल्स फ्री में रहेंगे, मैं वो लिंक्स भी दूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, बेसिक पॉइंट ये होता है कि जब प्रोजेक्ट आ जाए तो किस तरह से मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल
SEO ले लीजिए। अब SEO क्या होता है, ये रिजल्ट आपको 3 से 6 महीने के बाद आएगा। तो क्लाइंट जब प्रोजेक्ट देंगे तो वो 1 वीक के बाद कॉल करके पूछेंगे भाई रिजल्ट कहाँ पर है, अब क्या कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको बताएंगे कि हम क्या वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर टूल यूज करना पड़ेगा, जैसे कि फ्री कैंप है, और अगर आप दूसरे पेड भी यूज करना चाहे तो पेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री बहुत काफी है इसके लिए। तो वहां पर आपको सिस्टमैटिकली डेटा रखना पड़ेगा, क्या आप डेली कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और फाइनली टीम डेवलपमेंट, जैसे कि आपको ट्रेनिंग, देखिए आप जो भी पर्सन को आप ले रहे हैं अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं, तो उनको हर चीज प्रोसेस पता नहीं होता है, तो यहां पर जरूरी यह है कि हर टीम मेंबर को एक प्रोसेस पता हो, आपकी जो कंपनी का वर्किंग मेथड है, प्रोसेस है, वो जब पता होगा, जैसा कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको थोड़ी दिन की ट्रेनिंग आप दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो वर्क कल्चर, आपके जो वर्क प्रोसेस है, उसमें वो इंटीग्रेट हो जाएंगे और वो सिस्टमैटिकली वर्क कर पाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों 10 different steps आपको फॉलो करने हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने के लिए। अब इसमें देखिए चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, अब ये तमाम आपको आ जाए तो भी ये अब इतना भी काफी जो ना एनफ नहीं है, क्योंकि आपको सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल थोड़ा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए फैक्ट ऑफ पार्ट ऑफ अवर एजेंसी मैनेजमेंट। तो ये चीजों को आप देखते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा आप जब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, एक क्लाइंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको आप बिजनेस दे सकते हैं या नहीं, क्या वो आपके नीश आपके रेलेवेंसी के मुताबिक है या नहीं, वही देखकर उसके बाद अगर आप सही प्रोजेक्ट्स लेंगे तो आपकी एजेंसी पॉजिटिव साइड में जो है जा सकती है। अगर आप रैंडम प्रोजेक्ट्स ले लेंगे जो आप डिलीवर ना कर सके, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये था दोस्तों हमारे 10 different steps टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दूंगा, आप उस आर्टिकल को भी पढ़िए, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये सब्जेक्ट पता हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल वेब ट्रेनिंग्स अकेडमी यूट्यूब पर, और आप विजिट भी कर सकते हैं हमारा वेबसाइट webtrainings.in। और अभी हम रिसेंट अभी नया एक डेमो सेशन हम रखने वाले हैं अक्टूबर 10th 7 PM को, जो लाइव डिजिटल मार्केटिंग का डेमो है, जिसमें हम बेसिक्स का एक डेमो ले रहा हूं मैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो डेमो सेशन में भी आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आप www.webtrainings.in पर जाइए और वहां पर ऊपर एक लिंक आएगा, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरा फ्री वेबिनार आप लाइव में सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।